महाराजा रणजीत सिंह जी का रामबाग स्थित समर पैलेस एक बार मुड़ दर्श सैलानियों लिए खोल दिता गया है। मैं दसना चाहवागा कि 2016 के इस बंद कर दिता गया सी लगभग 16 सालों तो बाद पुरातत्व विभाग वालों इस रेनोवेट करके मुड़ दोबारा दर्शकों लिए खोल दिता गया है। ये समर पैलेस महाराजा रणजीत सिंह का समर पैलेस है। उस वेले 1837 दे विच इस दी उसारी की गई सी और महाराजा रणजीत सिंह जो भी इत्थे आया करते सन रामबाग स्थित उन्होंने अपना रहन लई जगह बनाई सी। ए पैलेस उत्थे उदो निर्माण किया गया सी जिथे अपने दरबारियां नाल भी वह गल करते सन और इसे जगह तो वो श्री हरिमंदर साहब लई भी जाया करते सन और इत्थे ही लै बैठ के वो अपने दरबारियां नाल विचार राजपाठ का जिहड़ा गलबात है वो सारी इत्थे कीता करिया करते सन। और एक सब तो वड्डी गल है कि महाराजा रणजीत सिंह जिहड़े कि अपने समय दौरान श्री दरबार साहब नाल जिहड़ियां जिहड़ी इमारत है उसके उत्ते जिहड़ा उन्हां वल्लों सोना भी चढ़ाया गया सीगा और समय समय सिर इस पैलेस दे विच अपने राजकाल दे दौरान आया करते सन और इत्थे आ के अपने दरबारियां नाल विचार वटांदरा करते सन और यह सारा इलाका जिहड़ा कि रामबाग जिहनूं कहा जाता है इस दे विच बैठ के इस तो सारे इलाके नूं सारे अमृतसर शहर नूं वेख्या करते सन उसकी जानकारी लिया करते सन और अपने दरबारियां नाल इसकी सलाह मशवरा भी किया करते सन। इस समर पैलेस दे विच किस तरह उन्हां वल्लों अपना दरबार सजाया जाता सीगा जड़ियाँ उन्होंने अपने उन्होंने शादी हुई सी भी दर्शाया गया है किस तरह उन्होंने बच्चे जड़े सी जो समय सिर हुए सन उन्हों तो बाद उन्होंने किस तरह उन्होंने तालीम दी है किस तरह उन्होंने राजपाठ का राजकाज का चलान का तरीका हुंदा सीगा अते अपने दरबारियों किस तरह हुक्म दिया करते सन किस तरह उन्हों वलों उस समय श्री दरबार साहब की उसारी दे उत्ते दरबार साहब के जिहड़े रेनोवेशन है दरबार साहब के उत्ते जिहड़ा सोने चढ़ाने की रसम उन्हों वलों निभाई गई सी किस तरह उन्हों वलों निभाई गई उस बारे जानकारी मिल लैंदे हाँ दरबार समर पैलेस के अंदर जाके देखते हाँ कि किस तरह का वो समर पैलेस उस वेले होया करते सीगे और पुरातत्व विभाग वालों इस नूं रेनोवेट करके दोबारा सैलानियों लई किस तरह खोलिया गया है। रणजीत सिंह जी के समर पैलेस के ग्राउंड फ्लोर के उत्ते तुसीं देख सकते हो कि इस अस्थान के उत्ते उस समय जिहड़ा कोहेनूर होया करता सी कोहेनूर जिहड़ा द क्राउन ताज हुंदा सीगा उसनूं रख्या गया है दर्शकों लई दिखाया गया है। ये उहदा रैप्लिका है यानी कि उहदा डुप्लीकेट है उस तरह का ही बनाया गया है पर इहदे विच कोहेनूर का ताज जरूर बनाया गया है पर ये रेप्लिका है उसकी नकल है महाराजा रणजीत सिंह के समर पैलेस रखी गई है। पर उस वेले जिहड़े हथियार उस वेले जिहड़ियां बंदूकां यूज़ कीतियां जांदियां सन वरतों जांदियां सन वह भी सजोईयां गईयां ने बिल्कुल उस तरह दियां उही चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दे कार्यकाल दौरान उन्हां दे समय दे दौरान यूज़ कीतियां जांदियां सन वरतियां जांदियां सन। तुसीं देख सकते हो कि ये जिहड़ी बंदूक सामने तुसीं देख रहे हो कैमल गन विद काठी यानी कि उदा किस तरह उन्हों रखिया गया है किस तरह उसनू दसिया गया है उस बंदूक नू देखिया गया कि उदी जड़ी नाली है उदे उदा जड़ा घेरा है वो काफ़ी वड्डा है जितों पता लगता है कि बहुत वड्डी जड़ी गोली है वो निकल के आती है। इस तो इलावा आ जड़ी बंदूक तुसी देख रहे हो ये बंदूक भी उस वेले दी वड्डी सारी इहदे मोरी है इसका शेक है जितों गोली निकल के आती है बाहर वह भी बहुत वड्डी है। उस वेले देखा जाता है कि उस वेले उस समय दौरान युद्धकाल के दौरान किहड़े किहड़े हथियार वरतों चाहते सन वह भी दिखाए गए ने। उस तो इलावा महाराजा रणजीत सिंह जी के समय दौरान जिहड़े चांदी दियां मोहरां होंदियां सन वह भी जिहड़ियां इस्तेमाल होंदियां सन उस समय वह भी इत्थे रखियां गईयां ने। महाराजा रणजीत सिंह के
समर पैलेस के अंदर यह जिस जगह पर असी खड़े हाँ यह उन्हां दा दरबार हाल होया करदा सीगा। इस वेले पुरातत्व विभाग वालों उन्हां दीआं जिहड़ियां स्टैचूज जिहड़े लगाए गए ने वो दर्शाते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबारियों नाल इत्थे मिलिया करते सन और इसे जगह के उत्ते दरबार लगाया करते सन। पर इत्थे बड़ी वड्डी गल है कि महाराजा रणजीत सिंह एक सादी वेशभूषा च बैठते सन जबकि उन्होंने दरबारी पूरा शिंगार करके पूरा अपनी वेशभूषा नाल बैठते सन जबकि महाराजा रणजीत सिंह पूरी सादे सादगी दे नाल इस जगह के उत्ते बैठते सन। महाराजा रणजीत सिंह इस सामने दिखाए गए जड़े महाराजा रणजीत सिंह अपने जरनैलों के नाल बैठे हुए ने। महाराजा रणजीत सिंह जनरल हरी सिंह नलवा अते जनरल फतेह सिंह तीन दो जरनैलों के नाल बैठ के विचार वटांदरा कर रहे हैं और अपने राज दे दौरान दरपेश मुश्किलों नूं दिखा रहे ने उन्हां नाल डिस्कस कर रहे ने। ये पुरातत्व विभाग वालों उस वेले इस नूं दर्शाया गया है उस वेले की घटना उस वेले के वर्तावे नूं इस समर पैलेस के महाराजा रणजीत सिंह नाल उस चीज़ नूं दिखाया गया है इस जगह पर जिथे उन्हां दा दरबार लगता सीगा। इस तों बाद मैं दिखावा चाहवांगा कि इधर एक साइड के उत्ते महाराजा रणजीत सिंह जी का विआह जिहड़ा उन्हां दा शादी होई सीगी वो दिखाया गया है। जदों मैं कैमरा परसन नूं कहांगा कि वो दिखाण महाराजा रणजीत सिंह जी का जदों विआह होया सीगा लाड़े दे परिवारिक मैंबर हन लाड़े दे जिहड़े परिवारिक मैंबर दे लाड़े दे परिवारिक मैंबर है वो दिखाए गए ने। महाराजा रणजीत सिंह महाराणी महताब कौर सदा कौर ते लाड़ी दे परिवारिक मैंबर भी इस विआह दे विच मौजूद सन उस वेले उस नूं दिखाया गया है तां जो सैलानी जान सकन उस वेले उस राज दे दौरान महाराजा रणजीत सिंह दे नाल घटित जिहड़ियां घटनावां सन वो इस समर पैलेस दे विच संजो के रखियां गईयां ने तां जो वो अपने इतिहास नूं जिहड़े सैलानी इत्थे आंदे ने वो अपने इतिहास नूं जान सकन और उस समें नूं जान सकन उस राजकाल दे दौरान जिहड़े जिस टाइम फैसले लए गए ने उस नूं जान सकन वो इस दरबार दे विच इस पैलेस दे विच उन्हां दा जिहड़ा है दिखाया गया है। एक बने उन्हां दा दरबार लगदा सीगा दूसरे बने उन्हां दे जिहड़ा जदों उन्हां दी शादी हुई है उस नूं दिखाया गया है। इस तों इलावा इस समर पैलेस दे विच उन्हां दे वख-वख जिहड़े जरनैल सन उन्हां नूं उन्हां दीआं तस्वीरां लगाईआं गईआं ने तां जो सैलानी उस समें दे जरनैलां नूं जाण सकन जिहड़े जिन्हां ने सिख राज की स्थापना की है और महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज की स्थापना अपने समय पर की सन। सरदार हरी सिंह नलवा जिहड़ा कि असी इतिहास दे विच पढ़ते हाँ जिन्हां दे बारे उन्हां दी तस्वीर इत्थे लगाई गई है नाल उन्हां दी जानकारी दित्ती गई है कि वह भी महाराजा रणजीत सिंह दे राज्य दे विच एक जरनैल वजों मौजूद हुंदे सन सरदार हरी सिंह नलवा। इस तों इलावा असा उपर वाली जिहड़ी पहली मंजिल है उस दे विच देख रहे हाँ कि कि चीज़ महाराजा रणजीत सिंह दे राज्य दे दौरान रखी गई है आओ वो भी तुहानूं दिखाने हैं। महाराजा रणजीत सिंह दे समर पैलेस दी असी फस्ट फ्लोर ते आ गए हाँ जिथे दिखाया गया है कि राज दरबार लगा है महाराजा खड़क सिंह जिहड़े कि महाराजा रणजीत सिंह जी दे सपुत्र सन उन ओ बैठे हुए ने। उस तो इलावा कुंवर नौ निहाल सिंह ने अते एक मंत्री जिहड़े उस वेले दे मंत्री सन ध्यान सिंह ओ उन्हां दे नाल बैठ के अपने समय से जिहड़ा समय राज दे समय दौरान डिस्कस कर रहे ने उन्हां दे नाल ओ दर्शाया गया है समर पैलेस दे फस्ट फ्लोर दे उत्ते। फस्ट फ्लोर दे उत्ते नीचे दी तरह ही इस समर पैलेस नूं तैयार किया गया है और उस समय जिहड़ियां उस समय दीआं यादां नूं संजोया गया है। तुसीं होर देख सकते हो कि असी हुण दूसरी साइड वल चल रहे हाँ जिथे महाराजा रणजीत सिंह दे तस्वीरां भी जिहड़ियां लगियां होईयां ने उस समय महाराजा रणजीत सिंह जदों जांदे सीगे ओह दिखांदे ओह तस्वीरां दिखांदे होए तस्वीरां लगाईआं गईआं ने कि अपने पैलेस दे विच किस तरह घूमिया करदे सन अपने राम बाग गार्डन दे विच किस तरह घूमिया करदे सन ओह यह तस्वीरां राही भी बखान किया गया है। इस तों इलावा महाराजा रणजीत सिंह जी का तुसीं देख सकते हो कि कार्यकाल दौरान जदों उन्हां दी शादी होई सीगी उस समय उन्हां दी जिहड़ी सल्तनत सीगी उन्हां दी जिहड़ी
प्रजा सीगी वो किस तरह खुश होंदी पई सीगी और उन्हां नूं जीयां नूं कह रही है। इस तों इलावा महाराजा रणजीत सिंह दा न्याय दा प्रशासन भी इस समर पैलेस विच दस्सिया गया है कि उसनों दर्शाया गया है कि उस समय जदों उन्हां दा राजकाल सीगा उस समय किस तरह वो अपना न्याय जिहड़ा लोकां नूं न्याय दिया करते सन जस्टिस किवें दिया करते सन उसनों दर्शाती हुई एक हॉल दे विच उन्हां दे वलों तैयार की गई है प्रशासन वालों। इस तों इलावा मैं कैमरा परसन नूं कहांगा कि इधर उस वेले उस समय दौरान जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह जी का समय दौरान ये उन्हां वलों उस समय वरतिया जांदियां ने बहुत वड्डियां बंदूकां ने जिहड़ियां कि दीवार दे उत्ते रखे जांदियां ने। मैं दस तुहानूं याद कराना चाहवांगा कि किले की दीवार बहुत वड्डी हुंदी सीगी तकरीबन 7-8 फुट चौड़ी होया करदी सी उस दे उत्ते इह बंदूकां रखियां जांदियां सन जदों गोली चलाई जांदी सी। इस तों इलावा इसते उस समय एक निक्की मज़ल बंदूक एक नली मज़ल बंदूक एक नली यानी कि एक नाली वाली बंदूक वह भी दर्शाई गई है। इस तों इलावा पिस्टल्स अते रिवॉल्वर्स जिहड़ियां पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स उस समय जिहड़े उन्हां दे जरनैल सन फ्रांस इटली तों लैके आए सन महाराजा रणजीत सिंह दे कार्यकाल दौरान वह भी इस समर पैलेस दिखाई गई ने। इस तों इलावा चार नाली वाली फ्रंट लोडेड गन दिखाई गई है कि फ्रंट दे विचों किस तरह उसनों चार एक तो बाद इह दसने वाली गल है कि इहदे विचों एक समय दौरान चार गोलियां निकल सकदियां सन। उस तों इलावा किरच होर जिहड़े उस समय युद्ध दे विच दौरान वरते जांदे कटार ने या गुप्त जिहड़ी तलवारां हुंदियां ने वह सारियां इत्थे दर्शाईयां गईयां ने। उस तों इस तों इलावा उन्हां दे राजकाल दौरान चार आईना सैट ब्रेस्ट प्लेट्स ये मैं दसना चाहवांगा कि उस समय युद्ध काल के दौरान ढाल जिहड़ी हुंदी है जिस तों बचिया जा सकता है वह दिखाईयां दसियां गईयां ने उस समय वरतियां जांदियां ने सन। यह ढाल है उस समय जिहड़ी अपना दूसरे दे हथियारां तों बचाव लई इस तों इलावा बाहवां ते पाण वाले जिहड़े उन्हां दी ढाल है उन्हां नूं दिखाया गया। इस तों इलावा जिहड़ी तलवार है तलवार दे नाल नाल ढाल दी पेशकारी उस वेले दे नूं दर्शाया गया है दस्सिया गया है उस समय दी जिहड़ी इन्हां वल्लों यूज़ की जाती सीगी। इधर एक धारी तलवार है इस तों इलावा सजावटी धारी तलवार है। इस तरह ही महाराजा रणजीत सिंह दे कार्यकाल दौरान समय दौरान लड़ाइयां भी होंदियां रहियां ने वह भी इस समय दौरान जिहड़े हथियार वरते जाते सन वह भी दिखाए गए ने वह भी इत्थे मौजूद सन। सो सब तो जरूरी जिहड़ी गल है मैं अपने कैमरा परसन नूं कहांगा कि वह जरूर इधरली साइड ते आन इस साइड ते आ के इंपोर्टेंट जिहड़ी बहुत इंपोर्टेंट गल है वह है कि यह कुर्सी यह जिहड़ी कुर्सी है महाराजा रणजीत सिंह दी चेयर होया करदी सीगी पर इस कुर्सी जिहड़ी कि अखरोट दे लक्कड़ दे नाल बनी हुई है अखरोट दी लक्कड़ दे नाल बनी हुई है जिहड़ी यह कुर्सी है और इस दे जिहड़े नीचे पैर ने पैरां दे नाल एक मैं उन्हां नूं कहांगा कैमरा परसन नूं दिखाण ये उस वेले उस समय सिंह दी तस्वीर होया सिंह नूं दर्शाया गया है ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2000
22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੌਤੋਭਿਸ਼ਾ ਮਜੁਮਦਾਰ। ਮੈਮ, आपने ये समर पैलेस देखा है, आपने हिस्ट्री में भी जाना होगा, महाराजा रणजीत सिंह का राज्यकाल क्या था, उनका ये पैलेस है, रामबाग है, क्या क्या आपने इसमें देखा है, क्या आपको इंस्पायर किया है इसमें? रामबाग पैलेस तो मैं हमेशा से आना चाहती थी, लेकिन उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल में इंटरनेट में नहीं मिल रहा था और लोकल्स को भी ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के आ गई। अभी तो मैं सिर्फ समर पैलेस ही पहुँची हूँ, अभी बाकी सब देखना बचा है। समर पैलेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत वेल मेंटेन्ड है, और मुझे पता लगा कि अभी अभी ओपन हुआ है। स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव थे, इतने अच्छे से सारी चीज़ें समझाए, पूरे दिखाए, सब डिस्क्रिप्शन देके, और बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, अच्छे से मेंटेन्ड है। और मैंने देखा जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उसमें सब चीज़ें ड्रॉ किया गया था, वो युद्ध का सारा चीज़, तो वेरी इंटरेस्टिंग, मॉडल्स भी सारे अच्छे हैं। अगर हम बात करें, ये खालसा राज हुआ करता था उस समय जब महाराजा रणजीत सिंह इस पर राज्य करते थे, उनको ख़ास तौर पे उनके जीवन पे जो आधारित चीज़ें थी जो उन समय हुई थी, जैसे उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं, इसी पैलेस में उनको दर्शाया गया है, उनको ताँ जो तब जो कि सैलानी आए उसको जानकारी मिल सके, क्या वो देखें आप? हाँ जी, मैंने देखा यहाँ पे कुछ रेप्लिका बना हुआ है कोहिनूर इसका, डायमंड का, एंड महाराजा रणजीत सिंह के कुछ यहाँ पे मॉडल्स बने हैं, उनके शादी का भी एक पूरा सीन दर्शाया गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी चीज़ें यहाँ पे रखा गया है, सिर्फ प्रोफेशनल, मतलब वो लड़ाई के नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनल चीज़ें भी रखे गए हैं। एक वो आइवरी में पेंटिंग मैंने देखा, आइवरी पेंटिंग में दरबार साहब बना हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत अच्छा, आपने देखा है, आपने इसको अनुभव किया है, ये उस समय ये ऐसा कुछ हुआ करता था कि जैसे कि इतिहास की किताबों में हमें देखा जाता है, उसको यहाँ दर्शाया गया है, ये इतने समय के बाद बंद कर दिया गया, जैसे 2006 में बताया जा रहा है कि बंद कर दिया गया था, उसके बाद पुरातत्व विभाग ने इसको मेंटेन किया है, रेनोवेट किया है, फिर दोबारा इसको पंजाब टूरिज्म को सौंप दिया गया है। अभी हमने जैसे देखा है कि यहाँ पे देखने के लिए सैलानी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, कुछ कहेंगे इसके बारे में? आपको भी, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, जो मैं शुरू में ही बता रही थी कि बहुत कम लोगों को पता है इस जगह के बारे में, इवन लोकलाइट्स को भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैंने काफ़ी लोगों को अभी कल भी पूछ रही थी, मैं आज भी पूछ रही थी कि यहाँ पे आए कैसे, क्या क्या है अंदर, बट देखा मैंने सरप्राइजिंगली लोकल्स को भी ज़्यादा नहीं नॉलेज है। ज़्यादातर लोगों ने मुझे बोला वो तो एक बड़ा सा गार्डन है, वैसे कुछ खास नहीं है, लोग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने इंटरनेट में कुछ कुछ पढ़ के आई थी कि अंदर बहुत कुछ है, हमाम है, देवरी है, तो मैं आ गई थी। तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा और अगर इस जगह के बारे में लोगों को जानकारी मिले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ जो है अमृतसर में सारे वो हेरिटेज स्ट्रीट जो है, जालियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल उसी एरिया में होते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो जितना पता चलेगा, जानकारी बढ़ेगी, उतना यहाँ पे और लोग आ पाएंगे और हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। सैलानियों मुताबिक इस सबर पैलेस दे बारे कोई ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही। मैं इत्थे ये भी दसना जरूरी है कि जनवरी 2022 नू ए समर पैलेस जड़ा है लोगों लिए खोल दिता गया, सैलानियों लिए खोल दिता है। इत्थे अमृतसर दे विच एन एन एवरेज हर रोज़ करीब 1 लाख दे कोल सैलानी इत्थे आंदे ने, जिहड़े सिर्फ दरबार साहब मत्था टेक के वापस चले जांदे ने, क्योंकि या वो अटारी बॉर्डर दे जाके रीट्रीट सैरामनी देखते हैं, पर उन्हां नूं जिहड़ा इस समर पैलेस दे उपर बारे उन्हां नूं कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर थोड़ा बहुत इंटरनेट दे जरूर ये सैलानियों मुताबिक मौजूद है कि यह समर पैलेस हुंदा सीगा, इत्थे समर पैलेस महाराजा रणजीत सिंह दा रामबाग हुंदा सीगा, रामबाग है, पर इस रामबाग नूं मेंटेनेंस या इस दी मेंटेनेंस वल सरकार ने अपने आप नूं अनगोला कीता होया है, इस नूं परे रख्या होया है। इत्थे सिर्फ यही देखा जाता है कि लोग इत्थे सिर्फ सवेर दी जिहड़ी सैर है करन लई आंदे ने। कंपनी बाग जिहड़ा कि बाद चों इहदा नाम बदल के रख्या गया सी अंग्रेज़ां दे समें दौरान, उस कंपनी बाग दे विच लोकी सिर्फ सैर करन लई आंदे ने, पर समर पैलेस तो लगभग अद्धा अमृतसर ही मेरा ख्याल अनगोला होएगा, जबकि जिहड़े सैलानी आंदे उन्हां नूं बिल्कुल नहीं पता है। अज जिहड़ा कि 4 महीने हो गए ने इस समर पैलेस नू रीजनोवेट करके खोलन दे नाल, तां जो इत्थे सैलानी आन और उस काल दे दौरान दीयां घटनावां नू और उस इतिहास नू कोलों दी जानन, उस चीज़ नू जानन, पर देखन चाहिया है कि इस समर पैलेस बारे लोकां नू
बिल्कुल भी नहीं पता है। जरूरत है सरकार नू इस बारे जानकारी दा जड़ा जरिया है होर बताया जाए तां जो लोग आसानी नाल आन जिहड़े दरबार साहब आंदे ने वह भी आन इत्थे तां जो इन्हां नू इस चीज़ नू वेखन इस तों जाणू होण इन्हां दे इतिहास तों जानन। महाराजा रणजीत सिंह इत्थे बैठ के अपने अपना कार्यकाल जिहड़ा वह चलाते सी अपने जिहड़े दरबारी सी दरबार विच बिठाते सन उन्हां नाल गल उन्हां नाल गलबात करते सन उन्हां दे जिहड़े मसले हुंदे सन वह उन्हां नाल डिस्कस करते सन। और सब तो वड्डी गल है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जाण लई इही एक रस्ता उन्हां वल्लों इख्तियार कीता जांदा सीगा कि इस रस्ते थानी वो अपने हरिमंदर साहब के दर्शनों लिए भी जाया करते सन। लोड़ है सिर्फ सरकार को जिस तरह जिन्ना पैसा लगा के इस दोबारा तैयार किया गया है ये हूँ यदि एडवरटाइजमेंट भी करन ता जो लोगों इस बारे जानकारी मिल सके। कैमरा परसन विपन के नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374-9647 84374-9648। बाबा फतेह खान पंजाब दे नंबर एक तांत्रिक बंगाल तो सिद्धि प्राप्त पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अस्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बार होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनपन जादू टोना लव मैरिज मोनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत। संपर्क करो बाबा फतेह खान 99586-35-478।